वेलकम टू चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी। आपको जैसा पता है कि हमारा चाणक्य इंस्टीट्यूट पीएमएस के पीछे सिविल लाइंस में स्थित है। यहाँ पर पीसीएम, पीसीबी, अप्लाइड मैथ विद कॉमर्स की क्लासेस चलती हैं। ये सारे बैच, नए बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हमारे सेंटर पर आकर इंक्वायरी कर सकते हैं। आज हम एक नया टॉपिक डिटरमिनेंट के बारे में बताएंगे आपको कि डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के ही टाइप का टॉपिक है। मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते थे, डिटरमिनेंट को हम 2 वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट। जो वैल्यू हॉरिजेंटल लाइन में लिखी हुई है, हॉरिजेंटली लिखी हुई हैं, दे आर कॉल्ड रोज। और जो वैल्यू वर्टिकली हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं। इस डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। इसका साइज 2x2 है, यानी साइज जब लिखते हैं, ऑर्डर मतलब मैथ्स की लैंग्वेज में ऑर्डर, और वैसे साइज कह सकते हैं। RYC यानी पहले नंबर ऑफ रो लिखनी है, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखने हैं। इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, इसका ऑर्डर हो गया 2x2। ऐसी इस डिटरमिनेंट के अंदर 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, इसका ऑर्डर 3x3 है। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगी, यानी जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। यानी इसका मतलब डिटरमिनेंट 2x2 ऑर्डर का हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का हो सकता है, या 4x4 ऑर्डर का हो सकता है। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में ही होगा। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, यानी नंबर ऑफ रो मे बी डिफरेंट टू नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स का कोई सेल्फ एवोल्यूशन नहीं होता। डिटरमिनेंट को आप एवोल्यूट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं डिटरमिनेंट की। अब हम 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2x2, यानी 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है। अगर हमें 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो एक ही मल्टीप्लाई डी से करेंगे, एक माइनस लगाएंगे अपने पास से, सी की बी की मल्टीप्लाई सी से करेंगे, यानी ए डी माइनस बी सी। जैसे टू की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, -6, एक माइनस अपने पास से लगाएंगे, फिर 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, -41 इसका आंसर हो गया। यानी किसी भी 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले कॉर्नर एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इस वाले कॉर्नर एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे। ठीक, तो 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब हमें 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीखना है, यानी एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। जब किसी 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम किसी एक रो से एक्सपेंड करते हैं या किसी एक कॉलम से। इसका एक साइन पैटर्न है, ये याद रखना है। यानी इस एलिमेंट का साइन प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी अल्टरनेट है। आप रो में भी अल्टरनेट है, कॉलम में भी अल्टरनेट है। जिस रो या जिस कॉलम से हम इसे एक्सपेंड करेंगे उस रो के या कॉलम के हम साइन लेंगे। हम इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ए है, यह है फर्स्ट रो जिस पर राइट लगाया है, ए लिख दिया। इसका साइन देख लेंगे का प्लस है, तो प्लस का ए लिखना है। अब आप इस ए की रो और कॉलम छिपा लो, जो अब दिखाई दे रहा है वो लिख दो 2/2 के डिटरमिनेंट बना के। अब आपने इसी रो का सेकंड एलिमेंट बी लिया, बी का साइन माइनस है, बी की रो और कॉलम छिपा लो फिर, ऐसी जो दिखाई दे रहा है वो लिख दो, बी की रो और बी का कॉलम, तो डी एफ पी आर लिख दिया। अब प्लस का सी, क्योंकि सी का साइन प्लस है तो प्लस का सी लिया, फिर सी की रो और सी का कॉलम छिपा लो, जो दिखाई दे रहा है वो लिख दो। अब ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, आप इसे सॉल्व कर लें 2/2 के तरीके से, तो ई आर माइनस क्यू एफ पी एफ प्लस का सी डी क्यू माइनस पी। इस तरह से आप 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, इस तरह से आप 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब ये डिटरमिनेंट ये है, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 3/3 ऑर्डर का है तो साइन तो ध्यान रखना ही पड़ेंगे। हम इसे सेकंड रो सेकंड कॉलम से कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस पे राइट लगाया हुआ है सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट बी है, बी का साइन यहां पे माइनस है, तो ये माइनस का बी लिखेंगे क्योंकि साइन लगाना है। फिर इस बी की रो और कॉलम छिपा लो इस तरह से, जो आपको दिखाई दे रहा है वो लिख दो। फिर इसका सेकंड एलिमेंट आया सेकंड कॉलम का, माइनस ई है लेकिन इसका साइन प्लस है तो माइनस ई रहेगा, प्लस माइनस माइनस। फिर इसकी रो और कॉलम छिपा लो ऐसे, ये रो है और ये कॉलम है। फिर तीसरा एलिमेंट माइनस क्यू है और यहां इसका साइन माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्यू लिखेंगे। फिर इसकी रो और कॉलम छिपा लो ये।
ये होगा डी आर, ये अब टू वाई टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू ऐसी निकलेगी डी आर माइनस पी एफ ए आर माइनस पी सी ए एफ माइनस डी सी, सॉल्व कर देंगे। अगर किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट सेम हैं, हम उसे किसी भी रो से एक्सपेंड करें या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें, जो लास्ट में आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर एलिमेंट सेम है तो किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का एक और मेथड है, सारूस डायग्राम मेथड। अगर इस डिटर्म ये केवल 3x3 ऑर्डर के लिए अप्लाई करते हैं, 2x2 के लिए नहीं किया जाता सर उस डायग्राम मेथड। इसके लिए आप फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, फिर सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट रिपीट करेंगे। यानी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। इस मेथड से अगर हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये जो कॉर्नर एलिमेंट है इससे यहां से ये डायगनल बनाएंगे, फिर इससे ऐसे तीन डायगनल बनेंगे। इन डायगनल को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, करते हैं ए की मल्टीप्लाई ई से फिर आर से, तो ए ई आर हो गया प्लस बी एफ पी। अगर साइन के हिसाब से जो भी आए मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस लगाना है, ये आएगा प्लस सी डी क्यू, फिर एक माइनस अपने पास से लगाएंगे। नीचे जो कॉर्नर एलिमेंट है इससे बनेंगे ऐसे डायगनल, ये डबल एरो वाले डायगनल। इसको हम सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, पी ई सी क्यू एफ ए आर डी बी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर हमें किसी 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो किसी एक रो से कर सकते हैं, किसी एक कॉलम से कर सकते हैं, या फिर इस सारूस डायग्राम मेथड से भी कर सकते हैं। अगर एलिमेंट सेम हैं तो आंसर सेम आएगा, चाहे किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट करें। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।